हेलो एवरीवन। तो चलो हम वापस से अपना बेसिक सेशन जो था, हमारे बेसिक्स उनको क्लियर करेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। जब तक बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे, हम अपना आगे प्रोजेक्ट, अच्छा सा प्रोजेक्ट नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम अपना पूरा बेसिक्स अच्छे से कवर करेंगे और उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो बेसिक्स अब बस कुछ एक दो लेक्चर्स और हमारा बेसिक सेशन पूरा खत्म। उसके बाद जो है, हम अपने प्रोजेक्ट्स बनाएंगे अच्छे अच्छे और उनको इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो चलो, पिछली बार हमने कंट्रोल में ये फॉरएवर लूप पढ़ा था। तो फॉरएवर लूप में हमने देखा था, हम अगर इस लूप के अंदर, इस ब्लॉक के अंदर हम कुछ भी वैल्यू डालें, मान लो मैंने डाला कि ग्लाइड 1 सेकेंड्स टू रैंडम पोजिशन, तो ये हमेशा के लिए चलता रहेगा, है ना? बहुत सिंपल। होप आप सभी ने इम्प्लीमेंट किया होगा, जो कि जरूरी है। प्लीज इन सबको जो भी आप सीख रहे हो उसे इम्प्लीमेंट करो खुद से, तभी आप सीख पाओगे। ओके, तो इसको अभी मैं हटाता हूँ। तो अभी कंट्रोल्स में हमने इतना पढ़ा, इसी को फर्दर आगे ले जाना। अभी ये दिख रहा है हमें, फॉरएवर लूप हो गया हमारा, रिपीट हो गया, वेट हो गया। अब है ये इफ लूप, ये इफ एल्स लूप और ये वेट अंटिल। तो इसमें है क्या एक्चुअली, कोई सोच सकता है? अगर एक छोटा सा गेस, कुछ भी वर्क करे, नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं, इसी को मैं अभी पूरा अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, तो जैसे इफ लूप है, ये भी एक ब्लॉक है। ओके, तो जैसे हमारा हमारे पास ये रिपीट था, रिपीट में हम कुछ वैल्यू डालते हैं। ओके, हम कुछ वैल्यू डालते थे, यहाँ पे वेरिएबल डालते थे। मान लो अगर हम 50 डालेंगे तो ये 50 टाइम्स लूप चलेगा, 50 टाइम्स बंदा मूव करेगा, जो भी हम इसके अंदर कोड डालेंगे। अगर हम इसे 2 टाइम्स डालें, 2 टाइम्स ये लूप चलेगा दोबारा, है ना? तो ये रिपीट में हम यहाँ पे वेरिएबल स्पेसिफाई करते हैं। ये वेरिएबल्स है 2, 3, ओके, कोई भी वैल्यू, ठीक है। लेकिन अभी ये जो ब्लॉक है, ये इफ ब्लॉक, अब इफ ब्लॉक में हमारे पास वेरिएबल नहीं, हमारे पास कंडीशंस आएंगी। अब बोलो ये कंडीशन क्या होगी? कंडीशन जैसे कि इफ ब्लॉक में मैंने बोला, ये आपको क्या दिखा रहा है? अगर इफ का मतलब अगर, हिंदी में देखें इफ को बोले तो अगर, अगर ये कंडीशन चली तब ये लूप चलना चाहिए। इस लूप का मतलब ये है कि अगर ये कंडीशन चली, जो भी कंडीशन हम इसके अंदर डालेंगे, अगर वो सेटिस्फाई हुई तो ये लूप चलेगा। तो आप बोलोगे कंडीशंस कैसे? अब आपको दिख रहा है ये जो ये ब्लॉक है, इसका शेप ही अलग है, ये अभी तक हमने देखा नहीं है। तो हम यहां से कोई एक ब्लॉक उठाते हैं, ठीक है। चलो मैंने ये उठाया, मैंने यहां लगाया। अच्छा, इसमें क्या लिखा है? इफ मैंने बोला 5 is greater than 50, इसे यहां रखा। इफ 5 क्या ग्रेटर देन 50 है? ट्रू या फॉल्स? नहीं, 5 छोटा है ना, तो क्या आना चाहिए? फॉल्स। तो क्लिक करूंगा, क्या आ रहा है आउटपुट? फॉल्स। तो अगर मैं इस ब्लॉक को इसके अंदर डालूंगा, ये बोलेगा क्या 5 50 से बड़ा है, जो कि नहीं है, तो ये लूप नहीं चलेगा। अगर मैं यहाँ पे लिखता 51, 50 से बड़ा है, हाँ है, ठीक है, तो ये लूप ये क्या रिटर्न करेगा? ट्रू। तो एक्चुअली में ये जो ब्लॉक होते हैं, ये एक्चुअली में हमारे पास ये सिर्फ ट्रू या फॉल्स रिटर्न करने के काम आए। ओके, तो अगर ब्लॉक अगर ट्रू रिटर्न कर रहा है, तो ही इसके अंदर जो भी हम कोड लिखेंगे, मानो मैंने लिखा गो टू रैंडम पोजिशन इसके अंदर। ओके, तो अब मैंने बोला अगर क्या 51 50 से ग्रेटर है, हाँ है, तो रैंडम पोजीशन पे जाओ। तो एक बार मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है,
सिंपल अपना इवेंट्स वगैरह और फ्लैग क्लिक किया, मैंने फ्लैग क्लिक किया, देखा हमारा स्प्राइट रैंडम पोजीशन पर पहुंच गया। तो क्यों पहुंचा? मैंने फ्लैग क्लिक किया, इसने चेक किया क्या 50 से बड़ा है, हाँ है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये ब्लॉक ट्रू। तो जब ट्रू होगा तभी ये इसके अंदर जो अंदर ब्लॉक दिख रहा है आपको, ये गो टू रैंडम पोजिशन, इसे एग्जीक्यूट करेगा। समझ में आया? अगर ये 51 की जगह मैं लिख दूँ 40, तो क्या 40 50 से बड़ा है? अभी कैट को चेक कर रहा, क्या ये मूव करेगा या नहीं करेगा। तो 40 50 से बड़ा नहीं है, मुझे पता है। तो ये क्या ब्लॉक, ये जो छोटा वाला ब्लॉक है, ये क्या रिटर्न करेगा? ये रिटर्न करेगा फॉल्स। तो फॉल्स जब कंडीशन होगी तो ये ब्लॉक के अंदर कुछ भी जो भी लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ओके, मैं दिखाता हूँ आपको। अगर मैं फ्लैग पे ये मैंने क्लिक किया, कोई चेंज नहीं आया, कैट वहीं की वहीं बैठी थी, उसमें कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। तो ये था हमारा एक इफ एल्स ब्लॉक का थोड़ी सी झलक, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे हमारे पास और भी चीज़ें हैं इसमें। अब जैसे कंडीशन, इसमें आप ये भी दिखा सकते हो क्या 50 बड़ा है 40 से। हाँ, अभी तक हम छोटा चेक कर, अब हम यहाँ पे भी कोई भी नंबर अपने आराम से जो हमें पसंद है हम उन वैल्यूज को चेक कर सकते, ठीक है। तो ये फ्लैग के में क्या 60 40 से बड़ा है, हाँ है, गो टू रैंडम पोजिशन क्लिक किया, रैंडम पोजिशन पर मूव किया, है ना, क्योंकि 60 40 से बड़ा है। तो ऐसी मैं चीज़ें उठा के अपना इसमें डाल, हाँ, इक्वल टू ब्लॉक। अब 50 इक्वल टू 50 तो खाली 50 के ही बराबर होगा, है ना, 50 इज इक्वल टू 50, हाँ है, एग्जीक्यूट करो। अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा अगर 20 इज इक्वल टू 40, क्या 20 50 के बराबर है? नहीं, तो कुछ कोई मूवमेंट नहीं आया, क्योंकि इसने क्या रिटर्न किया, फॉल्स। फॉल्स आया तो फॉल्स का मतलब नहीं, हम इस लूप के अंदर नहीं जाएंगे। अगर ट्रू आया होता तो ये जाता और इसको एग्जीक्यूट करता कि गो टू रैंडम पोजीशन, ठीक है। तो ऐसी 20 है, ओके। तो हमारे पास ये देखो, चलो ऑपरेटर्स पे आए। ऑपरेटर्स क्या है? ये कुछ नहीं, अब आपको दिख रहा है इसके अंदर कैसी टाइप के ब्लॉक्स आ सकते हैं। ये दिख रहा है एकदम साइड से जो एकदम ओवल शेप्ड है। तो अब मैं लिखता हूँ इसमें 25 प्लस 25 कितना होता है, 50, है ना। तो क्या बोलेगा, 50 इज इक्वल टू 50, हाँ ठीक है, चलो भाई चला दिए इसे। अगर मैं यहीं पे लिखता 25 प्लस 30 कितना होता है हमारे पास, 55। तो 55 क्या 50 के इक्वल है? नहीं। तो मैं फ्लैग पर क्लिक करूँगा, नहीं है, यानी ये पूरा ब्लॉक क्या बोलेगा, फॉल्स। फॉल्स बोलेगा तो हम यहाँ नहीं जाएंगे इस अंदर इसके अंदर। तो मैंने क्लिक किया, कुछ मूवमेंट नहीं आया क्योंकि ये फॉल्स है, ठीक है। ऐसी अगर इसे मैं हटा के अगर मल्टीप्लाई का भी एक ब्लॉक है, देख रहे हो जो साइन दिख रहा है आपको एस्ट्रिक, इस साइन का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। वैसे हम जनरली मल्टीप्लाई किसी और तरीके से लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे कोडिंग लैंग्वेजेस में आपको मल्टीप्लिकेशन इसी साइन से लिखते हैं। ओके, अब मैं लिखता हूँ 5 × 10 कितना होता है, 5 × 10 50, तो चेक करेगा क्या 50 इसके 5 × 10 50 के बराबर है, हाँ है, ट्रू। तो ये ब्लॉक ट्रू रिटर्न करेगा, इसका मतलब ये अब इसके अंदर जाने वाला है। तो अब हमारा कैट मूव होने वाला है इसका, तो बस फ्लैग पर क्लिक किया तो किसी रैंडम पोजीशन पर आ गया, ठीक है ना। ओके, चलो अब ये था एक मल्टीप्लिकेशन का ब्लॉक। अब आया डिवीजन का ब्लॉक, तो इसको मैंने डिवीजन में डाला 100 / 2। ओके, तो मैं बोलता हूँ क्या 100 / 2 50 के बराबर है, हाँ है, 100 / 2 कितना होता है, 50 तो होता है, तो 50 इज इक्वल टू 50, यानी ये ब्लॉक बड़ा वाला क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। और जब ट्रू होता है तो हमें पता है जो भी हमारे इफ ब्लॉक के अंदर है वो एग्जीक्यूट होगा। तो अभी मैंने इफ ब्लॉक के अंदर क्या लिखा है, गो टू रैंडम पोजीशन, तो
तो अब मैं फ्लैग पे क्लिक करूँगा तो ये किसी रैंडम पोजीशन पे चला गया, ठीक है। तो ऐसे ही हम इसके अंदर इन ब्लॉक्स को, ऑपरेटर्स को यूज़ कर सकते हैं और कंडीशन चेक कर सकते हैं। ओके, तो अगर मैं अभी यहीं पे 2 की जगह मैं यहाँ पे लिख दूँ अगर 5, तो 500/5 डिवाइड बाई 5 ये क्या होता है, 20। तो 20 = 50 ये है क्या? नहीं, फॉल्स। तो ये इसके अंदर नहीं जाएगा, तो यानी हमारा कैट मूव नहीं होगा। मैंने क्लिक किया, देखो कैट वही का भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये तो हमने देखा ये क्या क्या ब्लॉक्स थे, एक प्लस का ब्लॉक, एक माइनस का ब्लॉक, एक माइनस का ब्लॉक, ये एक मल्टीप्लिकेशन का ब्लॉक और ये एक डिविजन का ब्लॉक। तो ऐसे ही हम इसमें क्या कर सकते हैं, वैल्यूज मल्टीप्लाई, ऐड, सब्स्ट्रैक्ट और डिवाइड कर सकते हैं। ओके, तो इसमें हमने और क्या क्या देखा है, हाँ ठीक है। अब जैसे हमने ये फ्लैग क्लिक करने पे किया तो वैसे ही हम और भी चीज़ें कर सकते हैं इसी में। यही कोड को हम चेंज करके अपना कंडीशन लगा सकते हैं और इसमें वर्क कर सकते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से कंडीशन लगा। अब जैसे मान लो कि हम वापस कंट्रोल करें, ठीक है, देखो अब जैसे ये था ना ब्लॉक इफ़, ये खाली क्या था आपको दिख रहा है, इफ़ ये तो कोड एग्जीक्यूट। तो अभी तक क्या हो रहा था कि अगर मैं क्लिक करने पे इफ़ कंडीशन ये ब्लॉक कुछ रिटर्न कर रहा था ट्रू या फॉल्स, तो अगर फॉल्स हो रहा था तो हमारा कैट मूव नहीं कर रहा था, क्योंकि हमने बताया ही नहीं था कि भाई अगर फॉल्स होगा तो हमें क्या करना है, हमें नहीं बताया था। तो ठीक है, हटाओ इसे, हटाया इसे लगा। ओके, अभी ये सबको हटाते हैं और इसको, चलो इफ ब्लॉक है तो अभी इस एल्स पार्ट को भूल जाओ, अभी खाली इस इफ को देखो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डाला, पहले मुझे इफ की कंडीशन बता दी, तो ऑपरेटर में मैंने लिख दिया, ठीक है, फाइव ग्रेटर देन 50, ठीक है, चलो। तो यहाँ पे ठीक है, अब देखते हैं। अब मैंने क्या बोला, इफ 5 is greater than 50, तो ये ब्लॉक क्या बोलेगा कि नहीं भाई 5 तो छोटा होता है, तो ये बोलेगा फॉल्स। तो फॉल्स आएगा, इसका मतलब ये इफ वाला जो ब्लॉक था इसमें नहीं जाएगा। तो अब ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा इस ब्लॉक में, एल्स ब्लॉक में। तो इफ और एल्स का मतलब क्या है, अगर ये कोड, अगर ये कंडीशन ट्रू आती है तो इसमें जाओ, वरना एल्स में जाओ, समझे। अब जैसे हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे, कंट्रोल्स में इफ ब्लॉक था खाली, तो अब क्या हो रहा था, जब भी मैं अपने कैट पे क्लिक कर रहा था और अगर कंडीशन मेट नहीं होती थी, ओके, अगर कंडीशन मेट नहीं होती थी, यही वाली कंडीशन अगर मेट नहीं होती थी, तो हमारा कैट कुछ मूव भी नहीं कर रहा था। अब मान लो मैं चाहता हूँ कि अगर कोड एग्जीक्यूट ना हो, ये कंडीशन अगर फॉल्स भी आए, तो मैं तब कुछ और करवाना चाहता हूँ। मान लो मैं तब चाहता था कि अगर ये ट्रू होता तो ये किसी रैंडम पोजीशन में जाता, लेकिन अगर ट्रू नहीं होता तो ये टर्न करता। तो ये टर्न हम नहीं करवा सकते थे, क्योंकि ये इफ ब्लॉक में गया और इसने चेक किया कि ये नहीं होता, तो उसके बाद ये फिर टर्न में गया। अभी हमारे पास क्या हुआ, अभी हमारे पास क्या ऑप्शन है यहाँ पे, इफ और इस ब्लॉक में, एल्स में, इसने बोला अगर ये
फाइव इज ग्रेटर देन 50, ये ट्रू है, जो भी कंडीशन जो भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ये अगर ट्रू है तो मैं इस वाले ऊपर वाले ब्लॉक में जाऊँगा, और अगर ये फॉल्स है तो मैं नीचे वाले ब्लॉक में जाऊँगा एल्स में, है ना। तो यानी अब देखो मैंने क्लिक किया तो क्या बोल रहा है ये फॉल्स, क्यों बोल रहा है फॉल्स, क्योंकि ये बोला 5 इज ग्रेटर देन 50, ये क्या ट्रू है, नहीं ट्रू नहीं है, तो ये इसमें नहीं जाएगा, इस ब्लॉक में नहीं जाएगा, ये वाले ब्लॉक में नहीं जाएगा, ये जाएगा एल्स में, एल्स में इसने चेक किया से फॉल्स। तो अब मैं जब भी क्लिक करूँगा इसे तो ये क्या बोलेगा फॉल्स, अगर मैं यहीं पे लिख दूँ 51 इज ग्रेटर देन 50 जो कि क्या है ट्रू, अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये क्या बोलेगा ट्रू। ठीक है, समझ आया कि अगर ये कंडीशन बोले कि अगर ये कंडीशन जो भी है यहाँ पे हम देखेंगे ये अगर ट्रू आया तो ये सबसे पहले ब्लॉक में जाएगा इफ पर, और अगर ये फॉल्स हुआ ये 5 ग्रेटर देन 50 अगर मैंने कुछ ऐसी डाल दी कि ये कंडीशन नहीं है तो साफ सीधा हमें पता है कि 5 छोटा है 50 से, और ये पूछ रहा है कि ग्रेटर देन है कि नहीं है, तो हमने बोल दिया फॉल्स, तो ये गया इफ ब्लॉक में नहीं गया, ये सीधा गया एल्स में, एल्स में इसने बोला से फॉल्स फॉर 2 सेकेंड, खत्म। तो ऐसा है हमारा इफ एल्स ब्लॉक। नॉर्मली इफ इफ यूज करते हैं तो उसमें हमारे पास एल्स स्टेटमेंट नहीं था, अभी हमारे पास क्या है इफ भी है, यानी अगर इफ अगर 5 ग्रेटर देन है 50 से तब तो आप ट्रू बोलो, लेकिन अगर 5 ग्रेटर देन 50 नहीं है तब आप क्या बोलो फॉल्स एल्स। तो एल्स केस ऐसा हुआ। ठीक है, तो ये था हमारा कंट्रोल में इफ और एल्स। ठीक है, तो ये एक छोटा सा आज का टॉपिक था, डेमोन्स्ट्रेशन था, तो इसको आप थोड़ा प्रैक्टिस करो, इसको समझो और अच्छे से इसे इम्प्लीमेंट करो। ओके, थैंक यू।